इस दौरान उसको पूछते थे कि भाई ये दुमका में ही ओके किसी बिल्डिंग को सरकारी बिल्डिंग को उड़ाने के लिए वहां गया हुआ था, तो इस चार्ज पे भी वो इसलिए वहां गया हुआ था ये हमारे जम्मू इलाके को छोड़कर। और दो नक्सली गिरफ्तार होने की बात है, उनके उनको क्या किया? हाँ, वो उसके साथ उस निशानदेही पे दो लोग और भी उठे हैं, एक इलियास हेमराम और दूसरा है बामरा से सुशील हांसदा। सुशील हांसदा के यहाँ से AK-47 ये सिद्धूकुरा का उन्हीं के यहाँ से मिला हुआ, और इनके यहाँ से सुशील हांसदा के यहाँ से हैंड ग्रेनेड और राइफल ये सब जो हम लोगों ने जब्त किया हुआ था। ठीक है ना? अच्छा सर, ये क्या मामला है कि किस तरह से ये घटना आई है सामने और क्या बात है? विगत कई दिनों से हमारे जो इंटेलिजेंस टीम है, हमारी स्टेफ की टीम है, और हम लोग को सूचना आ रही थी जो यहाँ के मोस्ट वांटेड और लगभग 70 से ज्यादा नक्सली केसों में, हत्या के केसों में जो यहाँ पे वांटेड थे नक्सली सिद्धूकुरा, उनकी सूचना कल प्राप्त हुई कि वो दुमका शहर में वहीं पे हैं, और इस संदर्भ में हमारी एसटीएफ की टीम वहाँ गई और वहाँ के दुमका पुलिस साथ मिलके वहाँ ऑपरेशन हुआ और उन्होंने इस नक्सली की गिरफ्तारी हुई वहाँ पे, और गिरफ्तारी के उपरांत हम लोगों ने उसको यहाँ पे लाया और उसके निशानदेही पे AK-47 एक इंसास मिला, एक राइफल भी हम लोग को बरामद हुई, एक हैंड ग्रेनेड बरामद हुई है, लगभग 100 से ज़्यादा AK-47 की गोली बरामद हुई है। और इसी दौरान जब छापेमारी के दौरान ही ये ऐसा उसको अचानक से दर्द उसके पे छाती और ये अपने पेट वेट में दर्द उठा, जिसकी उसने शिकायत की एसटीएफ की टीम को, और हमारी एसटीएफ की टीम उसको तुरंत ही बिना कोई देर किए हमारे अस्पताल में लाए जहाँ पे वो मृत घोषित कर दिए गए। अभी उस पर जाँच पोस्टमार्टम होने वाली। सर, क्या दुमका क्या कोई